अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी मरकज़ी जामिया मस्जिद बद्दर में इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। जी हाँ, जिस तरह पूरे मुल्क में तमाम लोग आज मजहबी जोशोखरोश के साथ ईद उल अज़हा मना रहे हैं, इसी तरह बद्दर में भी इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला हर साल की तरह इस साल भी बड़ी अहसन अंदाज से, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से, बड़े भरपूर तरीके के साथ मनाया जा रहा है। जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे एकम में तकरीबन 65 जो है इज्तिमाई कुर्बानियाँ हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं। कुछ लोग वक्फ कुर्बानी करते हैं, कुछ लोग पूरी की पूरी कुर्बानी जो है वो गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, नादार लोगों के लिए जो है वो डोनेट कर देते हैं, और कुछ लोग जो है वो अपनी इस्तेआत के मुताबिक एक हिस्सा, दो हिस्से या इससे ज़्यादा हिस्से भी डालते हैं। इस बड़े मुश्किल काम को नहायत ही ऐसे अदार से और बड़ी तसलसल के साथ इस इलाके की मुमताज़ मजहबी शख्सियत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अताउल्लाह बद्दर साहब बड़े ही अहसन अंदाज से सर अंजाम देते हैं। आइए चलते हैं कारी साहब के पास और उनसे जानते हैं कि ये काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं, इस काम के लिए आपको कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं और कौन कौन सी आपकी टीम ऐसी है जिस वजह से आपके मुश्किल काम आसानी कर रहे हैं। हमारे पूरे इलाके की उम्र की ये इज्तिमाई कुर्बानी है, ये कुर्बान गाह है बद्दर। अलहम्दुलिल्लाह यहाँ पर दो दिन हो गए कल से कुर्बानियाँ शुरू हैं और गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से यहाँ पर ये कुर्बानी का सिलसिला शुरू है। और ये सिर्फ हमने की ये अहले इलाका जो है ये फायदा होता है, जानवर की खरीदारी, संभालना, उनके इंतजाम, गोश्त की तकसीम, ये सारे हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। एक सहूलत सब रात को मुहैया करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ तकरीबन 65 से ज़्यादा जानवर हैं, 65 के करीब जानवर जो है ये कल कुछ हुए थे, आज गुज़िश्ता सालों में उससे भी ज़्यादा होते थे, लेकिन एक साल से महंगाई की वजह से कुछ लोगों के पास कुछ कमी आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानी अहले इलाका पूरे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह साली जो है इसमें हम ये करते हैं कि 7 रिश्तेदार होते हैं, उनको मजबूरी जो गोश्त उनका होता है उनके हवाले किए जाते हैं। कुछ लोग वक्फ कर देते हैं कि हमारी तरफ से ज़रूरत लोगों को इनकी कुर्बानियों को तकसीम कर दी जाए। हमारा ये है कि पहली 2 कुर्बानियाँ हर साल वो वक्फ की होती हैं, वो मुस्तहिकीन के लिए। सुबह हमारे यहाँ कल 7:45 बजे वो गोश्त की तकसीम शुरू होगी। हमने लोगों की लिस्टें बनाई थी जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके घर में कुर्बानी है, अल्हम्दुलिल्लाह 150 घरों में तकरीबन गोश्त तकसीम हुई। 2-2 किलो का पैकेट बनाकर पूरे हमले जो है जो ज़रूरतमंद लोग कल से इस तरह यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ से भी लोगों को दे कोई भी आ जाता है इस तरह की शायद पोस्ट लोग जो आते हैं ज़रूरतमंद उनको यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त तकसीम। लोग बैरून मुल्क से हमें पैगाम देते हैं कि हमारी तरफ से कुर्बानी वहाँ करके वहाँ लोगों को दे दिए। हमारा इदारा चल रहा है, लोग कहते हैं अपने इदारे में बच्चों के लिए हमारा पहुँचते थे। कल एक पूरी गाय जो है पलामड़ी से आई साहब से वो तशरीफ लेकर आए, कहने लगे मैंने पूरा जानवर दे रहा है और मेरी ये नीयत है कि हाँ आपके जो मदरसे हैं मदरसे के तलबा गोश्त इस्तेमाल करते हैं। उनका पूरा जानवर आज जमा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी शामिल है। मैं अपने इलाका को जो है खुश आमदीद करता हूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खुश आता है। आगे भी हमारे साथ तावन करें ताकि इसको ज़्यादा सहूलत को दिलाया जाए और अल्लाह तबारक तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे साथ मुआमरीन टीम है पूरी बद्दर की जो हमारे साथ मुआमरत करते हैं, मिलकर ये सारे हमारे मदरसे के इदारा के साथ हैं, तलबा वो गोश्त की तकसीम के अंदर मसरूफ हैं, गोश्त तकसीम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मिलकर जो है ये हो रहा है। अल्लाह तबारक तआला सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।